वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर फ्रॉम संस्कृति गुरुकुलम स्कूल। टुडे आई विल टीच यू मैथमेटिक्स। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अप एक्सरसाइज 7G ऑफ चैप्टर 7। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज मिसेस कौर बोट 2 dozen ऑफ बनानास। मिसेस कौर ने कितने बनानास खरीदे? 2 dozen बनानास खरीदे। ओके, 1/4 ऑफ देम वर फाउंड रोटन। उसमें से 1/4 बनानास का क्या हुआ? रोटन हो गए, मीन सड़ गए। सो हाउ मैनी बनानास वर रोटन, तो इसमें हमें बताना है कि कितने बनानास सड़ गए हैं। ये तो देखिए फ्रैक्शन दिया हुआ है, हमें बताना है नंबर्स में कितने खराब हो गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए हम लिखेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे। मिसेस कौर बोट बनानास, कितने बनानास खरीदे उन्होंने? 2 dozen। अब देखिए 2 dozen कितने होते हैं, हमें पता है कि 1 dozen में 12 होंगे। ओके, सो 2 dozen में कितने होंगे? 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा? 24। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमको क्या दिया गया है? बनानास वर रोटन, कितने बनाना सड़ गए हैं? 1/4। देखिए इसमें 1/4 दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, बट हमें निकालना क्या है? नंबर निकालना है। ओके, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बनानास वर रोटन, ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो हम क्या करेंगे, हमें टोटल कितने दिए थे बनानास? 24 दिए थे, 2 dozen मीन्स 24 हो गए। 24 का हम क्या कर लेंगे? 1/4 निकाल लेंगे, 1/4। तो देखिए क्या करेंगे, 24 का मल्टीप्लाई किया 1 से, कितना हो गया? 24 बन जाए 24, और डिवाइड किससे करेंगे? 4 से कर देंगे। ओके, अब देखिए 4 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, तो चलिए 4 का टेबल रीड करेंगे। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। 6 टाइम्स आ रहा है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। इट मीन्स देयर फोर कितने बनानास रोटेट हो गए? 6 बनानास, तो हम लिखेंगे 6, देयर फोर 6 बनानास वर रोटन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार और अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि मिसेस कौर ने 2 dozen बनानास खरीदे, उसमें से 1/4 बनानास खराब हो गए, सड़ गए। तो पूछा गया है कि कितने बनानास सड़ गए, तो चलिए हमने सॉल्व किया। मिसेस कौर बोट बनानास, कितने बनानास खरीदे? 2 dozen। 1 dozen में 12 क्वांटिटी होती, 12 पीसेस होते हैं, तो 2 dozen में कितना होगा? 12 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 24, 12 2 24 होते हैं। ओके, नाउ बनानास वर रोटन, कितने बनानास रोटन हुए थे? 1/4, एंड नंबर ऑफ बनानास वर रोटन ये हमें फाइंड करना है। ओके, देन फिर हमने क्या किया, हमें 24 बनानास थे हमारे पास में, इसमें से इसका हमने 1/4 निकाल लिया, 24 का डिवाइड कर दिया 4 से, 4 6 24, तो हम लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर 6 बनानास वर रोटन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अ स्टोरी बुक कंटेन्स 18 स्टोरीज, एक स्टोरी बुक है जिसमें कितनी स्टोरीज है, कितनी कहानियां हैं? 18 है। ओके, राहुल रीड्स वन ऑफ देम, वन बाय थ्री ऑफ देम इन अ डे, राहुल ने उसमें से 1/3 एक दिन में पढ़ ली है, उतने एक दिन में इतनी उसने रीड कर ली है। तो ये तो देखिए फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/3, उसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टोरीज डिड ही रीड, तो उसने कितनी स्टोरीज रीड की होगी। अब ये 1/3 से तो हमें पता नहीं चलेगा ना कि उसने कितनी स्टोरीज रीड की है, हम क्या करेंगे, नंबर्स निकालेंगे कि कितनी उसने स्टोरीज रीड कर ली होगी। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम लिखेंगे अ स्टोरी बुक कंटेन्स 18 स्टोरीज, कितनी स्टोरीज हैं एक स्टोरी बुक में? 18 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 18। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे राहुल रीड 1/3 ऑफ देम। ओके, लास्ट में हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ स्टोरीज ही रीड, नंबर ऑफ स्टोरीज ही रीड, उसने कितनी स्टोरी रीड कर ली होगी ये हमें पता नहीं, हमें तो ओनली फ्रैक्शन दिया हुआ है। ओके, तो चलिए हमारे पास टोटल स्टोरीज कितनी थी? 18 थी, हम इसका क्या कर लेंगे? 1/3 पार्ट निकाल लेंगे, तो देखेंगे 18 1 18, इसका डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आंसर आएगा? तो चलिए हम 3 का टेबल रीड करेंगे।
थ्री वन जार थ्री, थ्री टू जार सिक्स, थ्री थ्री जार नाइन, थ्री फोर जार ट्वेल्व, थ्री फाइव जार फिफ्टीन, थ्री सिक्स जार एटीन। कितना आंसर आया हमारा? सिक्स आंसर आया, सिक्स टाइम्स में आया है ना। यहाँ पर हम लिख देंगे सिक्स, लास्ट में लिखेंगे देयरफोर ही रीड्स। कितनी स्टोरी रीड की है इसने? सिक्स स्टोरीज। ओके, राहुल ने कितनी स्टोरीज रीड की है? सिक्स स्टोरी रीड की है। चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार और समझेंगे। क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि एक स्टोरी बुक में 18 स्टोरीज हैं, राहुल ने उसमें से 1/3 स्टोरीज रीड की हैं वन डे में, तो फिर उसने कितनी स्टोरीज रीड की होंगी? चलिए हमने इसको सॉल्व किया, हमने लिखा स्टोरी बुक कंटेन स्टोरीज इज इक्वल्स टू 18, राहुल रीड्स 1/3 ऑफ देम, नंबर ऑफ स्टोरीज ही रीड, ये हमें फाइंड करना था। तो देखिए हमने क्या किया, फिर 18 का मल्टीप्लाई किया किससे? 1/3 जो हमको दिया गया था। ओके, तो देखिए 18 डिवाइड बाय 3, 3 6 जार 18, देयरफॉर ही रीड 6 स्टोरीज। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वर 36 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास है जिसमें कि 36 स्टूडेंट्स हैं, 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स वर एबसेंट ऑन मंडे। जो देखिए 36 स्टूडेंट्स हैं उसमें से 1/3 स्टूडेंट्स मंडे को एबसेंट थे, नहीं आए थे स्कूल। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर एबसेंट ऑन मंडे? अब देखिए 1/3 दिया हुआ है बट हमको नंबर्स नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स नहीं आए थे उस दिन, मंडे को कितने स्टूडेंट्स एबसेंट थे, तो देखिए हम इसके नंबर्स फाइंड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे देयर वर स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 36। ओके, 36 स्टूडेंट्स हैं और इसमें बोला क्या गया है? स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन मंडे। मंडे को कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे? 1/3, 1/1/3 दिया है ना, इट मींस क्या लिखेंगे? 1/3, 1/3 एब्सेंट थे। अब देखिए क्या पूछा गया है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर एबसेंट ऑन मंडे, मंडे को कितने स्टूडेंट्स एबसेंट थे? अब तो देखिए तो हमको फ्रैक्शन दिया गया है, हमें इसको नंबर्स में लिखना है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एबसेंट ऑन मंडे। कितने एबसेंट थे ये हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम क्या लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 36। 36 का हम कितना निकाल लेंगे? 1/3 पार्ट निकाल लेंगे। ओके, तो चलिए हम क्या करेंगे, 36 वन जार कितने होते हैं? 36 डिवाइड करेंगे हम 3 से, तो देखिए कितना आंसर आएगा। साइड में हम डिवाइड कर लेते हैं रफ में, 36 का डिवाइड किया 3 से, 3 वन जार 3, नेक्स्ट 6 नोट किया, 3 टू जार 6, तो देखिए स्टूडेंट्स कितना आंसर आ गया, 12 आंसर आ गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12। ओके, नाउ लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर There were 12 students absent on Monday. Okay students, चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार और अच्छे से समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि एक क्लास में 36 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 1/3 स्टूडेंट्स एबसेंट हो गए मंडे को, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने एबसेंट हुए होंगे मंडे को, ये हमसे पूछा गया है। तो हमने सॉल्व किया, हमने लिखा देयर वर स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, कितने थे क्लास में स्टूडेंट्स? 36। स्टूडेंट्स वर एबसेंट ऑन मंडे 1/3, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एबसेंट ऑन मंडे, ये हमें फाइंड करना था। तो देखिए हमने क्या किया, 36 का मल्टीप्लाई 1/3 से किया, 36 वन जार 36 डिवाइड बाय 3, ये हमने डिवाइड किया, आंसर आ गया 12। तो हमने लास्ट में लिखा देयरफॉर देयर वर 12 स्टूडेंट्स एब्सेंट ऑन मंडे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? नाउ स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7G डन की है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने अभी आपको करवाए हैं, ये आप पहले अच्छे से समझेंगे, उसके बाद में अपनी फेयर नोटबुक में डन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।